नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमें कार्बोनिल कंपाउंड का पढ़ना है वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विथ आरएमजीएक्स, आरएमजीएक्स का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन। तो इसको हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड एजेंट वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ डिस्कस करता हूँ। आरएमजीएक्स कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट बनाता है और ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, दिस इज CO, इस पर मैंने आरएमजीएक्स का रिएक्शन करा दिया। फिर हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस हम अमोनियम क्लोराइड से भी करा सकते हैं या H+H2O भी यूज करते हैं, मोस्टली H+H2O यूज करते हैं। तो ये अल्कोहल में ऐसे बदल गया, दिस इज CR एंड दिस इज OH, ये अल्कोहल बन गया। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है, नो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। RMGX ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम और R में मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो मैग्नीशियम पे पार्शियल प्लस और R पे पार्शियल माइनस। ये कार्बोनिल है CO और ये RMGX R पे माइनस, मैग्नीशियम पे प्लस, यहाँ पे पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस। तो R माइनस इस पर जाके अटैक कर देता है, O पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो बना, दिस इज CR, दिस इज OMGX, O माइनस MG प्लस। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे, हाइड्रोलिसिस जब हमने करा दिया ऐसे, यहाँ पर वाटर का H आ गया और ये OH आ गया, नो एल्कोहल बन गया। दिस इज COH NR प्लस MgXOH, साइड प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आपने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड पर इसका रिएक्शन कराने पर अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट बन जाता है। अब अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड ले लूं और आरएमजीएक्स की जगह CH3MgBr ले लूं, नाउ दिस इज फॉर्मल्डिहाइड SCHO, इस पर मैंने CH3MgBr का रिएक्शन करा दिया, फिर हाइड्रोलिसिस भी यूज कर दिया। अब जो प्रोडक्ट बना, दिस इज HCH, दिस इज OH एंड CH3, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। अब मैंने H की जगह CH3 अगर ले लिया, नाउ दिस इज CH3CHO, इस पर भी CH3MgBr का रिएक्शन H+H2O के प्रेजेंस में। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज CH3CH CH3OH, या मैं इसको लिख सकता हूँ CH3CH CH3NOH, 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। और अगर मैं कीटोन ले लूँ, कि नाउ दिस इज CH3COCH3, इस पर भी इसका रिएक्शन करा दें, और जो प्रोडक्ट बन गया, दिस इज CH3CCH3CH3NOH, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से 3 डिग्री अल्कोहल। तो RMGX का रिएक्शन अगर फॉर्मल्डिहाइड पे कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड पे कराएंगे 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन पर कराएंगे 3 डिग्री अल्कोहल, साइक्लिक कीटोन भी लें तो उसमें भी 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। जैसे कि मैंने ये ले लिया साइक्लोहेक्सेनोन, उस पर PH-MgBr का रिएक्शन करा दिया, PH-MgBr प्लस, हाइड्रोलिसिस करा दिया H+H2O के प्रेजेंस में, PH- जाके अटैक कर देगा O- H+ लेके OH में। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन, ऐसे हो गए। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड का RMGX के साथ। अगर कार्बोनिल कंपाउंड पर RMGX के अटैक से काइरल सेंटर जनरेट होता है तो वहां पर 2 इनैंसियोमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, मींस रेसमिक मिक्सचर बन जाता है। सपोज जैसे मैंने ले लिया PHCHO, इस पर मैंने रिएक्शन करा दिया CH3MgBr का, हाइड्रोलिसिस भी करा दिया H+H2O के प्रेजेंस में। अब जो प्रोडक्ट बन गया, नाउ दिस इज PH CH OH एंड CH3,
ऐसे हो गए। अब ये सेंटर देखिए काइरल हो गया ऐसे। अब इसमें ये प्रोडक्ट बना और इसका मिरर इमेज बन जाएगा। नाउ प्लस एच सी पी एच सी एस थ्री एंड ओ एच, ये सेंटर भी काइरल। दोनों प्रोडक्ट कंप्लीट मिरर इमेज हैं, ये इनैंसियोमर हो गए और इनके मिक्सचर को रेस्मिक मिक्सचर बोलेंगे, रेस्मिक मिक्सचर। अब आपसे पूछा जाए कि इस पे आरएमजीएक्स का जब रिएक्शन कराए तो काइरल सेंटर जनरेट हुआ, पर काइरल सेंटर की जनरेशन से दो इनैंसियोमरिक प्रोडक्ट कैसे बन गए, यानी रेस्मिक मिक्सचर क्यों बना, उसको डिस्कस करते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, PHCHO ये है, कार्बोनिल कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और sp2 कंपाउंड ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, यानी उसमें सारे एटम सेम प्लेन में मौजूद होते हैं। अब इस पर CH3MgBr का अटैक हो रहा है, दिस इज CH3MgBr में CH3-MgBr+। अब अटैक की दो पॉसिबिलिटीज है, जैसे इस कंपाउंड प्लेनर है, जैसे मेरी हथेली प्लेनर है, अब इस पर RMGX का R- प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा ऐसे, तो जो सारे एटम सेम प्लेन में हैं, जब ये ऊपर से पुश करेगा अटैक होगा तो सब प्लेन के नीचे ऐसे चले जाएंगे। तो CH3- ने इस पर प्लेन के ऊपर से अटैक कर दिया रूट ए से, तो रूट ए से जो प्रोडक्ट बना, और फिर ये H+ ले लेगा, H+H2 से O- H+ ले लेगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज CH3CPH H और O- H लेके OH में बदल गया। अब उसी तरह से ये इसने अटैक किया रूट बी से। अब कोई प्लेन के नीचे से जब अटैक करेगा तो सारे एटम ऐसे प्लेन के ऊपर चले जाएंगे, और H+H2 से O- ने ले लिया H+। अब जो प्रोडक्ट बना, नाउ दिस इज CH3, दिस इज OH, PH, NH, अब ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब आप देखें कि दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज हैं, ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज, और जो दो प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो इनैंसियोमर कहलाते हैं, और उनके मिक्सचर को रेस्मिक मिक्सचर बोलते हैं। तो जब काइरल सेंटर जनरेट होगा तो आप दो इनैंसियोमेरिक प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि उसमें दो तरफ से अटैक पॉसिबल होता है। अगर पहले से कंपाउंड में काइरल सेंटर है और एक और जनरेट हो रहा है काइरल आरएमजीएक्स के अटैक से, तो वहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, बट वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, इनैंसियोमर नहीं होते। जैसे एक कंपाउंड ये दिया गया, दिस इज पीएच एच सीएच थ्री, दिस इज सीएच टू सीएचओ, इस पर CH3MgBr का रिएक्शन कराया गया H+H2O के प्रेजेंस में ऐसे। अब CH3- दो तरफ से अटैक कर सकता है, एक बार प्लेन के ऊपर से और एक बार प्लेन के नीचे से। अब इसके दो प्रोडक्ट ऐसे बने, एक तो ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज PH CH3 H CH2 CH, CH3 प्लेन के ऊपर से आया तो ऐसे वेज लाइन पर आ गया, तो OH प्लेन के नीचे चला जाएगा ऐसे। और दूसरा प्रोडक्ट जो बना, ये जो काइरल सेंटर पहले से है उसके कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई असर होगा नहीं, क्योंकि वहां रिएक्शन हो नहीं रहा है। नाउ दिस इज CH3 PH H, दिस इज CH2 H। अब अगर CH3 प्लेन के नीचे से आ गया तो डैश लाइन पर आएगा, तो OH प्लेन के ऊपर चला जाएगा। अब ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इस काइरल सेंटर की पोजिशन दोनों में सेम और ये अपोजिट हो रहा है, तो कंप्लीट मिरर इमेज नहीं हुआ। तो ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होंगे, और दिस टू आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से आरएमजीएक्स का रिएक्शन यहां पर होता है, और इनैंसियोमर और डायस्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ आरएमजीएक्स विद कार्बोनिल कंपाउंड।